चैनल है, तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज है संडे, आज है डेट पता नहीं क्या डेट, मार्च है ये, तो उनको डेट याद नहीं रहती है। यहाँ मेरी मस्ती खेल रही है और आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। ठीक है गाइस, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, कुछ ऐसा शेयर करूँगी। देखते हैं, अब सर्दी मुझको इतना परेशान करता है ना, क्या बोले, बहुत परेशान करता है। तो मैंने अभी चावल चढ़ा दिया है, चावल और दाल चढ़ा दिए हैं। उठने में लेट हो गया था इसीलिए सब लेट लेट हो रहा है। जल्दी उठ जाते तो सब जल्दी जल्दी काम हो गया, लेट उठने से सब कुछ लेट हो जाता। तो गाइस मैं ना दिखा रही हूँ, ठीक है मैं अभी तो खाना नहीं खाएगी, दवाई भी नहीं खाएगी, सिर्फ बाहर जाके घूमेगी। देखिए गाइस मैं इसको कैसे समझाऊं, बाबू खा लो ना, थोड़ा सा खा लो, छी छी सारा कपड़ा गंदा हो रहा है, खा लो, खाओगी थोड़ा सा? हाँ आ जाओ, आपको दिया हो ना, हाँ ना, जल्दी आ, राज बुला रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन खाओ खाओ करके जाएगा। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे। हेलो गाइस, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये मेरा संडे ब्लॉग है, अभी हम सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया, खाना पीना हो गया, खा पी लिए और जितना घर का जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है सब कंप्लीट हो चुका है। और मैं आज आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली थी, मैंने पहले स्टार्टिंग ब्लॉग में भी बोला था, मच्छर इतना परेशान कर रहा है ना, तो मैंने स्वेटर सॉल के उड़ लिया है क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा फीवर है इसीलिए। तो मैं सोची ब्लॉग भी बना लूँ क्योंकि मैंने कल भी नहीं डाला ब्लॉग, परसों भी नहीं डाला, लास्ट दो तीन दिन पहले थोड़ा बहुत डाला था, जो कि मैं ठीक से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ बस इसी के कारण, क्योंकि बार बार मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्या हो गया है, बार बार मैं मतलब कंटिन्यू दो वीक से मुझे दो दिन रेस्ट होता है उसके बाद तीन दिन फीवर रहता है, इसलिए मैं ब्लॉग्स भी ठीक से नहीं बना पाती। उसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। तो उसका रीज़न है, रुकिए गाइस, उसका रीज़न है ये। तो आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, ये मतलब मेरा प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ क्या है आप लोग ही बता सकते हैं, मैं सिर्फ भी इतना आता है बता। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये आगे, मतलब एक बहुत डीप है और एक लाइट है, तो इसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि है क्या है कि नहीं है, बट आप लोग को तो सब पता रहता है, सब तो मुझको भी पता रहता है, बट मैं भूल गई हूँ क्या हो गया पता नहीं, मतलब कंफर्म नहीं हूँ बस। अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हाँ बट मैं ना ये इसको पता नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, नहीं पता है, आगे बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम था जो मेरा सेकंड बेबी हुआ था, तो मैंने मेरा मतलब ब्रेस्ट मतलब क्या बोलते हैं ट्यूमर हो गया था, तो उसके लिए 3.5 मंथ्स मतलब मेरा कंटिन्यू ऑपरेशन टाइप का बोल सकते हैं आप लोग, कंटिन्यू ड्रेसिंग होता था चेस्ट में, लेफ्ट चेस्ट में, तो इसके लिए मैं और ये बेबी नहीं ले सकती हूँ। तो अभी ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, इसलिए मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी। ठीक है गाइस, बस यही बात शेयर करना था, अगर आप लोग को आप लोग सजेशन दे सकते हैं
मेरा ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, अभी भी है, इसीलिए नहीं रख सकते हैं। देखते क्या होता है, डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ेगा लग रहा है।